अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला एक भी कश्मीरी हाथ नहीं बचेगा। ये शब्द थे कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के। लेकिन इस साल 15 अगस्त को कश्मीर में जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर ऐसा कहने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। कैसे, चलिए जानते हैं। जिस कश्मीर में एक समय 14 और 15 अगस्त के दिन दंगों के डर से कर्फ्यू लगाया जाता था, उसी कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद इस साल 15 अगस्त को हर घर तिरंगा लहराया गया और हर कश्मीरी के हाथों में तिरंगा दिखाई दिया। यहां तक कि कश्मीर में आतंक मचाने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी जावेद मट्टू का भाई रईस मट्टू भी भारत का तिरंगा फहराते हुए दिखाई दिया। और तो और 14 अगस्त के दिन पीओके में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में काला दिवस मनाया और पाकिस्तान से आजादी की मांग रखी। और गाइस, ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे भारत सरकार के कड़े फैसलों की वजह से। धारा 370 हटाने के फैसले की वजह से धीरे धीरे कश्मीर का रूप बदल रहा है और वहां पर शांति कायम हो रही है। अमेरिका के एक अधिकारी माइक बेंज ने यह खुलासा किया है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी को घटाने के लिए अमेरिका के कुछ गुप्त राजनीतिक समूहों ने अब तक 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। उनके अनुसार मोदी जी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं। इसलिए दुनिया के कई देश भारत के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया ने सैंक्शन की चिंता किए बिना भारत को डिस्काउंटेड रेट में ऑयल दिया था और इसी वजह से मोदी जी की पॉपुलैरिटी से परेशान अमेरिका के कई मीडिया हाउसेस में एंटी इंडिया और एंटी मोदी कैंपेन चलाए जा रहे हैं। साथ ही फेसबुक पर डाले गए प्रो मोदी और प्रो इंडिया पोस्ट अमेरिका में सर्कुलेट किए ही नहीं जाते। गाइस, हमारे विरोधी हमें रोकने की कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें, पर इंडिया अब नहीं रुकने वाला। जय हिंद, जय भारत। जब वो 9 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। घर के हालात इतने खराब थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर कूली तक का काम करना पड़ा। इसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने बस कंडक्टर का एग्जाम पास किया और बस कंडक्टर लग गए। इसके बाद तो जैसे कि उनके अंदर का आर्टिस्ट ही बाहर आ गया। लोग ऐसा कहते हैं कि बस कंडक्टर के तौर पे वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि वो बहुत ही स्टाइल से सीटी मारा करते थे और बहुत ही स्टाइल से टिकट काटा करते थे। ये देखकर उनके साथियों ने उनको एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया और साथ ही साथ उनकी फीस भी भरी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। काफी स्ट्रगल के बाद उनकी पहली मूवी में ही उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और देखते ही देखते वो साउथ में सुपरस्टार और गॉड माने जाने लगे। जहां हालात ये हैं कि बाकी एक्टर्स को अपनी मूवीज हॉलीडे के दिन रिलीज करनी पड़ती है, वहीं जब एक सुपरस्टार की मूवी आती है तो अपने आप वो दिन हॉलीडे हो जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थलाइवा रजनीकांता। ओए माकेबा। गाइस, मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा गा रहा हूँ, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोशल मीडिया पर पॉपुलर इस गाने में माकेबा का मतलब क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, इस पॉपुलर गाने में माकेबा शब्द अफ्रीका की सॉन्ग राइटर मिरियम माकेबा के नाम से लिया गया है, जिन्हें मामा अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। मिरियम माकेबा वही महिला है जिन्होंने अफ्रीका में काले लोगों के खिलाफ किए जा रहे भेदभाव के विरोध में यूएन में आवाज उठाई थी। उन्होंने साल 1962 में यूएन के सामने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के कुछ गोरे लोगों ने अफ्रीका के ही काले लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार इकट्ठा किए हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका सरकार ने माकेबा की नागरिकता रद्द कर दी थी और उन्हें देश से निकाल दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी भी आंदोलन को कला की आवाज दी जाती है तो वो और तेजी से फैलने लगती है, और कुछ ऐसा ही हुआ माकेबा के साथ भी। साल 2015 में बनाया गया उनका ये गाना अब 8 सालों बाद सोशल मीडिया की दुनिया में आग की तरह फैल गया। गाइस, क्या आपको इस पॉपुलर गाने के पीछे की सच्चाई पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते अगली वीडियो में।